नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैन। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कांवड़ मार्ग पर आने वाली दुकानों के लिए योगी सरकार का फरमान आया, हर दुकान के आगे दुकानदार का नाम चस्पा करने का। लेकिन इसकी आड़ में अजीबोगरीब सा मामला भी सामने आया है। मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम लड़के नहीं रहने। पुलिस वाले आए थे, तो ये लिस्ट लगा लो, चारों को हटा दिया। हाँ जी, सरकार के फरमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर के साक्षी ढाबे में पुलिस दुकान और दुकानदार का नाम चेक किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने वहाँ काम करने वाले लोगों के नाम पूछे और वकार और शफकत समेत चार लोगों को हटाने को कह दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दावा है इस ढाबे के मालिक लोकेश भारती। उन्होंने कहा गया ना, वही प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने कहा गया ना, वही ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ चार थे। चारों को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? खोले होंगे 6-7 दिन। उनके नाम क्या है? एक तो है जी मुंशी जी, बोल रहे हैं उन्हें। हाँ। एक शफकत अली है। हाँ। का शफकत अली। हाँ जी। एक वो है, वकार है जी, ये क्या नाम है, जो इससे महसूर कॉलोनी है उसका है, और एक लड़का बिहार से, वो भी मुस्लिम है। हाँ जी। क्या काम करते थे यहाँ, खाना वाना बनाने का? हाँ, दो कारीगर थे, एक चाय का था, एक अंदर इसमें था कैंटीन में अंदर। सरकार का आदेश था दुकान के आगे नेम प्लेट लटकाने, लेकिन यहाँ तो नाम की वजह से नौकरी ही चली। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने ढाबों और खाने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, लेकिन मुजफ्फरनगर की पुलिस मानो दो कदम आगे। ढाबे से मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के साथ साथ अब पंचर की दुकान पर भी ये नेम प्लेट लटकाने में जुट गए। चाय के लोगे? तो ये आपने लिख के लगाया था लीक पैर पेंशन, आपके पास फोन आया था ये लिख के लगा हुआ। पुलिस वाले आए थे। कब आए थे? कल आए थे। क्या बोला? भाई लिस्ट लगा लो बस, और क्या बोलते। खाने की दुकान पर नेम प्लेट लगाने का फरमान कहीं न कहीं तब आया जब ये खुलासा हुआ कि कुछ मुस्लिम ढाबा मालिकों ने ढाबे का हिंदू नाम रखा। ऐसे में कांवड़ियों की आस्था का सवाल था, लेकिन पंचर की दुकान पर नेम प्लेट लगाने की पुलिसिया कार्रवाई समझ से परे। सवाल उठता है कि क्या आप लोग साइकिल मोटरसाइकिल का पंचर भी नाम देख कर लगवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।